25 मार्च को लगने वाला है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। होली पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कई राशियों को देगा खुशखबरी, तो कई राशियों की बढ़ जाएगी परेशानी। भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने जा रहा है, और खास बात यह भी है कि 25 मार्च को होली का त्यौहार भी है। जब जब कोई ग्रहण लगता है तब तब इसका खगोलीय महत्व भी होता है, धार्मिक महत्व भी होता है, और ज्योतिषीय महत्व तो होता ही है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को काफी खास माना जाता है। किसी त्यौहार पर ग्रहण पड़ रहा है तो इसका और भी ज्योतिषीय महत्व हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साल 2024 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 चंद्र ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण होंगे, और साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है या पहला ग्रहण आप कह लीजिए, वो 25 मार्च को लगेगा जो चंद्र ग्रहण होगा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने पर जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में मौजूद होंगे, जहां पहले से ही केतु विराजमान होंगे। ये ग्रहण फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी सोमवार 25 मार्च 2024 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू हो जाएगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। हालांकि इस चंद्र ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पंचांग की गणना के मुताबिक साल 2024 में होली का त्यौहार भी 25 मार्च को मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को रात 9:57 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 25 मार्च को रात्रि 12:32 तक होगा। इस प्रकार 25 मार्च को चंद्र ग्रहण के साय में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारत में इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस दौरान चंद्रमा केवल पृथ्वी की छाया के बाहरी किनारों से होकर गुजरेगा। इस दौरान ग्रहण काफी कमजोर होगा, जिस कारण इसे पूर्ण या आंशिक ग्रहण की तुलना में नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा गहरी छाया में प्रवेश नहीं करता। साल का ये पहला चंद्र ग्रहण जो है ये यूरोप में, उत्तर पूर्व एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में, अफ्रीका के एक हिस्से में और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। इसके अलावा प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 4:36 तक रहेगी। ये सुबह 10:23 से दोपहर 3:02 तक रहेगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भले ही ये साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन वैदिक शास्त्र के अनुसार 25 मार्च को लगने वाले ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशि के जातकों को विशेष असर जो है उन पर इस ग्रहण का देखने को मिल सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है, अच्छा धन लाभ हो सकता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मिथुन, कर्क, सिंह, मकर और धनु राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव रहेगा। मिथुन राशि वालों के अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। कर्क राशि वालों को यह चंद्र ग्रहण कोई सुखद खबर देगा, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको जीत हासिल होगी। सिंह राशि वालों को कैरियर में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी, इनकम के साधन बनेंगे, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल का यह पहला चंद्र ग्रहण बहुत शुभ फल देने वाला है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, विदेश जाकर पढ़ाई करने की आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है। मकर राशि वालों का कोई बड़ा सपना साकार हो सकता है, और मकर राशि वाले जो बिजनेसमैन हैं वो बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग भी बनेंगे, और धनु राशि वालों की किस्मत चमकेगी, विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, कोई रिश्ता फाइनल भी कर सकते हैं, प्रमोशन का योग भी बनेगा, लव लाइफ बेहतर होगी। लेकिन जिन राशियों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि साल का ये पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, इसलिए कन्या राशि वालों को
खास तौर पर सावधान रहना होगा क्योंकि उस दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। कन्या राशि वालों के कुछ बनते हुए काम थोड़े समय के लिए अटक सकते हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है, थोड़ा लव लाइफ प्रभावित हो सकती है। साल का ये जो पहला चंद्र ग्रहण है ये मेष राशि वालों की हेल्थ के हिसाब से अनुकूल नहीं है। ग्रहण के दौरान आपकी सोशल इमेज को भी ठेस पहुंच सकती है, इसलिए आपको कन्फ्रंटेशन से दूर रहना चाहिए। तुला राशि वाले उनके अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तुला राशि वालों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, वाहन सावधानी से चलाना होगा। मीन राशि वालों के स्वभाव में थोड़ा अग्रेसिव टोन आ सकती है, आक्रामकता आ सकती है, कार्यक्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। किसी को पैसा उधार ना दें, नहीं तो समय पर आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये था 25 मार्च को इस साल का पहला जो ग्रहण लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण के रूप में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।